ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम धर्मशाला के कुछ क्षेत्र को ही स्मार्ट सिटी में लिया गया था, जिसके चलते निगम क्षेत्र में शामिल मर्ज पंचायतों के लोगों में रोष था। लेकिन धर्मशाला के नव निर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया ने सभी वार्डों में स्मार्ट सिटी के कार्य होने के निर्णय को सरकार से स्वीकृति दिलाने की बात कहकर सभी का दिल जीत लिया है। ये बात नगर निगम धर्मशाला के भाजपा समर्थित पार्षद सर्वचंद गलोटिया, मनोनीत पार्षद राजेंद्र ठाकुर, तेज सिंह ठाकुर, भाजपा में शामिल पार्षद विशाल जम्बाल ने संयुक्त प्रेस बयान में कही। नगर निगम धर्मशाला के कुछ क्षेत्र को ही स्मार्ट सिटी में लिया गया था, जिसके चलते निगम क्षेत्र में शामिल मर्ज पंचायतों के लोगों में रोष था। लेकिन धर्मशाला के नव निर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया ने सभी वार्डों में स्मार्ट सिटी के कार्य होने के निर्णय को सरकार से स्वीकृति दिलाने की बात कहकर सभी का दिल जीत लिया है। ये बात नगर निगम धर्मशाला के भाजपा समर्थित पार्षद सर्वचंद गलोटिया, मनोनीत पार्षद राजेंद्र ठाकुर, तेज सिंह ठाकुर, भाजपा में शामिल पार्षद विशाल जम्बाल ने संयुक्त प्रेस बयान में कही। प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए जारी 100 करोड़ रुपए की राशि और विधायक द्वारा स्मार्ट सिटी के कार्यों को अमलीजामा पहनाने के आश्वासन के चलते मनोनीत व भाजपा के नव निर्वाचित पार्षदों ने सीएम जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया का आभार जताया है। नगर निगम धर्मशाला के भाजपा समर्थित पार्षद सर्वचंद गलोटिया ने कहा कि जब नगर निगम बना था तो कुछ ही एरिया को स्मार्ट सिटी में लिया गया था, जिसको लेकर मर्ज पंचायतों के लोगों में रोष था। स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया ने निर्वाचन के बाद हाल ही में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था कि जो भी स्मार्ट सिटी का पैसा आएगा वो नगर निगम के सभी वार्डों में खर्च किया जाएगा। इस पर विधायक ने भी स्मार्ट सिटी को धरातल पर उतारने तथा निर्णय को अमलीजामा पहनाने की बात कही थी। मुद्दा था कि जो हमारे पिछले जब से स्मार्ट नगर निगम बना था तो स्मार्ट सिटी में कुछ एरिया देख लिया गया था, तो जो स्मार्ट सिटी में पैसा आना था जितना भी, पहले तो 2190 आना था, वो उसी एरिया में खर्च हो गया। फिर इस बारे में काफ़ी थोड़ा रोष भी था, जो मर्ज पंचायतें ली गई थी नज़दीक पंचायतें, जब नगर निगम बना था तो उसको जनसंख्या पूरी करने के लिए तो लोगों में उन्होंने अपनी मीटिंगें भी की, आगे तक प्रपोजल भी दिए। और अभी ये जो जैसे ही हमारे विधायक श्री विशाल नेहरी जी आए हैं, तो उनके जैसे चुने जाने के बाद ये शनिवार को एक हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्टी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें विधायक जी भी हाजिर थे और एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो भी ये स्मार्ट सिटी का पैसा आएगा ये सभी जितने 17 वार्ड हैं उनमें से बिल्कुल बराबर रूप से बांटा जाएगा। और इसमें विश्वास दिलाया था हमारे मुख्य सचिव ने कि इस प्रस्ताव को वो सरकार के समक्ष रखेंगे और इस चीज़ को वो धरातल पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, जिसका हम सब पार्षद इसका चीज़ का अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी, सरकार हमारी जो हिमाचल प्रदेश की है और निर्वाचित हमारे विधायक जो है विशाल नेहरिया जी का धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे।